गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम दोस्तों। सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हमें राजपुर रोड देहरादून, आज का ट्रैक है देहरादून टू हरसिल। और मेरे राइडर भाई लोग वेट कर रहे हैं मसूरी डाइवर्जन पे, अभी मिलेंगे उनसे। ये खड़े हैं यहाँ पे, इनसे मिलते हैं। क्या हाल है? अरे बरात गुलाब होता रहेगा। चलो भंडारी उसको देखना, वो आ रहे। चलो 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 चलो। और हम लोग पहुंच चुके हैं मसूरी। मसूरी मेन मार्केट से ना होते हुए हम बारलोगंज से जा रहे हैं। शॉर्टकट है, 3-4 किलोमीटर का शॉर्टकट पड़ जाएगा। और ये सबसे एडवेंचरस रोड है। जो लोग यहाँ से आए होंगे उनको पता होगा इस रोड के बारे में। बारलोगंज के बीचों बीच ये रोड जाती है और लगभग 4-5 किलोमीटर का शॉर्टकट है। और मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर कोई भी प्रो राइडर हो, अगर वो फर्स्ट टाइम इस रोड पर राइड कर रहा है तो उसकी भी फटके 4 हो जानी है, क्योंकि ये रोड एकदम फाड़ है भाई। एकदम 60-70 डिग्री का स्लोप है इसका। और ये शॉर्टकट बना ही उन लोगों के लिए है जिनको एडवेंचरस टूरिंग पसंद है। तो आप आइए, यहाँ पे ज़रूर आइए और लुत्फ़ लीजिए एडवेंचरस टूरिंग का। यहाँ पे आके आपको मालूम कैसा फील होगा, थोड़ा सा डर, थोड़ा थ्रिल, पूरे शरीर में सनसनाहट, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस आप यहाँ से लेके जाओगे। कहाँ पे आ रहे हैं यार? ये देखिए, इतनी ढलान पे ये ओवरटेक कर रहा है। और इसको देख के मुझे एक कहावत आपसे शेयर करने का मन हो रहा है। वो कहावत है कि सींग नहीं होते हैं। ये आपके आस पड़ोस में, समाज में ही अपनी हरकतों से, अपनी बातों से प्रदर्शित करते हैं खुद को। उन्हीं में से एक है ये। माफ़ी चाहता हूँ गाली के लिए, लेकिन गाली दे के मुझे बिल्कुल भी बुरा फील नहीं हुआ, और ये अच्छी बात है। उसको पता भी है कि नीचे से अगर कोई बंदा चढ़ रहा है तो ब्रेक नहीं लगते हैं भाई, पिकअप टूट जाता है, पिकअप बनता नहीं इतना जल्दी। 100% चांसेस होते हैं कि गिरना ही गिरना है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं आज बाइक गिव अप ना करते, क्योंकि दो लोग हम बैठे हुए हैं, एकदम चढ़ाई चढ़ी है। और अब हम इस ढलान को कर देंगे यहाँ पे अलविदा। इसके बाद सीधी रोड हमें मिलेगी और सीधे हम रुकेंगे सुवा खोली में। बर्फ़ के दर्शन होंगे, हल्का हल्की बर्फ सड़क के दोनों साइड, जहाँ पर धूप नहीं लगती वहीं पर ये दिखेगी आपको। बढ़िया रूट है, इंजॉय कीजिए आपकी राइड को। और हम पहुंच चुके हैं सुवा खोली, जहाँ से धनौल्टी के लिए एक रास्ता जाता है, दूसरा उत्तरकाशी के लिए। यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले थे, अभी टाइम है तो आगे देखते हैं कहीं पर अच्छी जगह मिल जाए। तो चलते हैं, इंजॉय कीजिए राइड को, मिलते हैं आगे। ये मिस्टर राज, ये रमन, सतीश, अखिलेश, दिग्विजय, सचेंद्र और विशाल, अरे दीपक, दीपक और ये वादिया। और ये है हमारा प्रो राइडर नरेश, हमने सारा प्रो राइडर रखा था। और राज के चश्मों को देख के आपको जाने दुश्मन मूवी का एक सीन याद आने वाला है। भाग गया तो बाइक आ जाएंगे। और अभी हम लोग हैं रोहतक की वैली में। खाने की कुछ दुकानें यहाँ पे हैं और एक काफल रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं। पहले भी हम लोग यहाँ पे खाना खा चुके थे, अच्छा खाना मिलता है, तो हम लोग दोबारा इसी जगह पे आए। और आगे पूरी रोड बर्फ़ से ढकी हुई है, ऐसा यहाँ पे लोग कह रहे हैं, तो इसलिए जल्द से जल्द निकलते हैं क्योंकि टाइम लग जाएगा, बर्फ़ में स्किट होती हैं गाड़ियाँ। और गाइज यहाँ से रोड ख़राब है, पूरी बर्फ़ गिर रखी है और बर्फ़ के ऊपर पाला गिर रखा है, जिससे बहुत फिसलन है इस रोड पे। और हमारी टीम का पहला विकेट यहाँ पे गिर चुका है, पूछ लेते हैं भाई क्यों गिरा।
मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था बहुत स्लो चले अब वहाँ पे ना टर्न था बस स्लो की नहीं है यहाँ पे ब्रेक मार दो एक बंदा नीचे उतर के ना पीछे पकड़ के गाड़ी गिरेगी तो आराम से गिरा ही देना ठीक है आराम से अगर आप ऐसी सॉलिड बर्फ के ऊपर गाड़ी चलाते हो तो फिर ग्रिप नहीं बनती है पैरों की जहाँ से आप गाड़ी को थाम सकते हो तो इसलिए गिराना ही बेटर है चलो 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 अरे राज ऐसा तिरछा क्यों हो रहा तू यहाँ डालना अंदर डाल पता अरे दिमाग में ज्यादा ले लिया अरे डर मत कूल हो जा सही लगा दो मालूम क्या है निकल गई अब तेरे इसको आगे जाने दो हार्ले सबसे ज़्यादा स्किट हो रही है इस रोड पे कि मुझे लगता है वो इस टाइप के एडवेंचर के लिए नहीं बनी हुई हाईवे के लिए प्लेन रोडों के लिए और उसका वेट भी बहुत ज़्यादा है शायद और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी अगर ऐसी सिचुएशन में बाइक चलाने का मौका मिले तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी पैनिक ना हो कूल माइंड से आराम से और फिर गाड़ी चलाइए दूसरा है ब्रेक का कम से कम यूज़ कीजिए जब बहुत ज़रूरी हो तभी ब्रेक लगाइए अदरवाइज अपने पैरों से संभालने की कोशिश करें अपनी बाइक को देखी जाएगी यार नीचे तो गिर गया कुछ अरे उतर जाते हैं ना क्या रिस्क लेना रिस्क नहीं अरे बैठे रहे यार बैठे रहे बैठे रहे पैर मत लगाना नीचे पैर मत लगाना मैं अपने आप ले जाता ये टोटल 3-4 किलोमीटर का पैच होगा और इसने हमारा पूरे 2-3 घंटे ख़राब कर दिए अब जाके थोड़ा सही रोड मिली तो गाइज मिलते हैं आगे यहाँ से शुरू हो जाएगी जौनपुर की सीमा और ये मिर्ज़ापुर वाला जौनपुर नहीं है ये टिहरी में पड़ता है और हमें इसका कोई कंट्रोल नहीं चाहिए हमें तो बस पहुँचना है यार हर से किसी भी हाल में ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं हम लगभग 3-4 घंटे हमारे ख़राब हो चुके हैं इसके बाद पड़ेगा चिन्यालीसौड़ यह है चिन्यालीसौड़ का हाईवे चिन्यालीसौड़ के बाद उत्तरकाशी हालांकि हम उत्तरकाशी में भी नहीं रुकने वाले ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है लगभग 5 बज रहा होगा अभी और यहां से हरसिल पहुंचने में 3-4 घंटे लग जाएंगे ये उत्तरकाशी की टनल को हमने क्रॉस कर दिया है और आगे निकल गए हम लोग मनेरी पहुंच गए हैं ये मनेरी जल विद्युत परियोजना है पावर प्रोजेक्ट है नीचे हमारी है बहुत प्यारी सी झील और इस झील का पानी को रोक के टनल के थ्रू टरबाइन तक पहुंचाया जाता है और उसी से बिजली बनाई जाती है ये आप सबको पता होगा और आज की ये राइड बहुत एडवेंचरस हो गई है यार कई बार गिरे कई बार उठे इसी में 3-4 घंटे हमारे वेस्ट हो चुके हैं आगे की रोड कैसी होगी ये भी नहीं पता अभी हमें और अभी तो सही है रोड देखते हैं जितना खींच पाते हैं खींच लेंगे और टोटल देहरादून से हरसिल लगभग 250 किलोमीटर के आसपास होगा जिसमें से ऑलमोस्ट हम 200 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे आज मैं राइड कर रहा हूँ रॉयल इनफील्ड की इलेक्ट्रा से और ईमानदारी से बताऊँ कि पूरा थ्रॉटल देने के बावजूद भी ये 60-70 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा पा रही है जिसके कारण मैं बहुत पीछे छूट गया हूँ और मेरे साथी बहुत आगे निकल गए और कोई भी राइडर चाहेगा कि अगर वो 350 cc की बाइक से राइड कर रहा हो तो उसको ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए आ रही तो कुछ बोल नहीं सकते और ये मिल गए मेरे साथी और हमने डिसाइड किया कि अगला जो भी स्टेशन पड़ेगा जो भी बाज़ार पड़ेगा छोटा मोटा हम वहाँ पर चाय पियेंगे
थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और फिर सीधे निकलेंगे जहाँ तक हम पहुँच पाते हैं आज। अरे मारी जालो मेरा, अरे मारी जालो मेरा, अरे गढ़वाले ने बाग लागो, गढ़वाले ने बाग लागो, बाग की हुआ डेरा मेरे पा बाग रे, तेजी बाग की हुआ डेरा मेरे पा बाग रे। अरे मारी जालो मेरा, अरे मारी जालो मेरा, अरे गढ़वाले ने बाग लागो। चाय पीने से हम सब में काफी एनर्जी आ गई और अब हम निकल रहे हैं आगे को। एक बार मन हो रहा था यहीं पे स्टे करें क्योंकि यहाँ पे भी होटल हैं और यहीं के गांव वालों ने हमें बताया कि जसपुर बैंड पड़ता है, थोड़ी सी दूर है और अभी 6:30 हो रहा है तो आधा घंटा हमारे पास भी है कि हम आराम से राइड कर सकते हैं और आगे चल के हो सकता है हमें बर्फ़ मिले रोड पे सेम जैसे पहले था उससे भी ज़्यादा मिले तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है। देखते हैं क्या होता है आगे। दस मिनट राइड करने के बाद पूरा अंधेरा हो गया है और फिर से हमें उसी टाइप की रोड मिल गई है और बर्फ़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे रोड में जमी हुई है और हमारी हार्ले भी ख़राब हो गई थी हालांकि हमने फिक्स कर दी वो प्रॉब्लम और बहुत तेज़ पाला यहाँ पे गिर रहा है जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो लगातार गिर रहा है और हमें बहुत ठंड भी लग रही है। बाकी एक दूसरे की सब हेल्प कर रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम में ना फंसे हम सही सलामत पहुँच जाएँ और फाइनली हमने डिसाइड किया है कि जो भी अगला स्टॉप मिलेगा हम वहाँ पे स्टे कर लेंगे और अभी हमारी फ़ोन और कैमरे की बैटरी दोनों डाउन हो चुकी है तो आगे शूट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं ये वीडियो दो पार्टों में डालने वाला हूँ। पहला पार्ट तो यहीं तक होगा क्योंकि इसके बाद शूट कर पाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी फ़ोन की बैटरी हमें बचा के रखनी पड़ेगी क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है तो वो मैं इस वीडियो के पार्ट टू में बता दूंगा आपको। अभी यहाँ पे टाइम हो गया वीडियो को ख़त्म करने का और जल्द मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।